क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बीओ ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। व्यूअर्स, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 4 साल फ्यूचर टूर प्रोग्राम जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका समेत दीगर टीमों की मेजबानी करेगा। ताहम इसमें भारतीय टीम शामिल नहीं है। व्यूअर्स, आईसीसी के फ्यूचर टूर प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान अक्टूबर 2019 में श्रीलंका की मेजबानी करेगा, जिसके दौरान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे और इसी साल नवंबर में कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 और 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी। 2020 ग्रीन शर्ट्स के लिए मसरूफ तरीन साल होगा, जिसके दौरान पाकिस्तान कई टीमों की ना सिर्फ मेजबानी करेगा बल्कि कौमी टीम के दीगर ममालिक के दौरे भी शेड्यूल है। व्यूअर्स, जनवरी 2020 में पाकिस्तान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस के लिए श्रीलंका की मेजबानी करेगा, जिसके बाद फरवरी 2020 में पाकिस्तान 2 टेस्ट और 3 T20 मैच के लिए बांग्लादेश की मेजबानी करेगा। जून 2020 में इंग्लैंड 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस के लिए पाकिस्तान की मेजबानी करेगा, जबकि कौमी टीम इसी माह आयरलैंड के खिलाफ भी 2 T20 मैचेस खेलेगी। अक्टूबर 2020 में पाकिस्तान टीम 3 T20 और 3 वनडे मैचेस के लिए जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी, जबकि नवंबर 2020 में पाकिस्तान जिम्बाब्वे की मेजबानी करेगा, जिसके दौरान 3 T20 और 3 एकरोज़ा मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। व्यूअर्स, दिसंबर 2020 में पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जिसके दौरान 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी। 2021 में भी कौमी टीम के लिए मसरूफ तरीन साल साबित होगा, जिसके दौरान पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड की मेजबानी करेगा और इस साल कौमी टीम अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे की भी मेहमान बनेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।